समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी गल्ला मंडी रोड पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICA के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने किया। इस कार्यक्रम में डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार जनता की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है। इसी सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 100 डायल को शुरू किया था। लोगों को इस सेवा से बहुत लाभ हुआ। भाजपा सरकार केवल नाम बदलने वाली सरकार है। वह केवल नाम बदलकर सभी योजनाएं अपने नाम करने का प्रयास करती है, जबकि जनता सब जानती है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक कर समाजवादी सरकार लाना है, वह अमन चैन खुशियां रोजगार वापस पाना है। झांसी से मनीष शली की रिपोर्ट। आज भाई सीताराम कुशवाहा जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, ये आज उनके केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन कार्यकर्ताओं के द्वारा और हम लोगों के द्वारा किया गया है। हम सब यहाँ बैठ करके रणनीति बनाएंगे, यहाँ इस केंद्र से बैठ करके पूरे चुनाव को संचालित करेंगे, क्योंकि चुनाव जो है बहुत ही मजबूती के साथ सीताराम जी लड़ रहे हैं। और जहाँ तक सोशल इंजीनियरिंग का सवाल है, सीताराम जी सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। इनको केवल चुनाव का मैनेजमेंट करना है, चुनाव को इनको विधिवत तरीके से बूथ वाइज लोगों को जिम्मेदारी सौंपना है। हम सब लोग बैठ करके जिम्मेदारी को सौंपेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता को उत्तरदायित्व तो देंगे। उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी जवाबदेही होगी कि उसने अपने बूथ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। उनको समाजवादी पार्टी को अपने बूथ से जिताना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये हम लोग बांटेंगे और हमें पूरा विश्वास है सब लोग अपने अपने बूथ पे समाजवादी पार्टी को सीताराम कुशवाहा जी को जिताएंगे और निश्चित रूप से झांसी का इतिहास बदलेगा। सीताराम कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे। अब वही है, हम तो बूथ वाइज जिम्मेदारी लोगों को सौंपने की बात कर रहे हैं कि बूथ वाइज जिम्मेदारी सौंपी जाए, अपने अपने बूथ पे चुनाव कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे चुनाव लड़े, एक एक वोट से जाके संपर्क करें, एक एक वोट को प्रभावित करने का प्रयास करें। लोग तो तैयार बैठे हैं, लोग क्योंकि मौजूदा सरकार से लोग ऊब गए हैं। मौजूदा सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से विकास के कार्य रुके हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने वादे करके लोगों के वादे पूरे नहीं किए,